हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8 मिरर एंड वाटर इमेजेस। तो डियर, इसमें मिरर और वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये क्लास 8 की मोनोपोली रीजनिंग बुक है, बट अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको आप ठीक से समझ लें। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मिरर इमेज के बारे में बताया गया है। देखिए, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो मिरर या तो इधर लगा हुआ होगा या इधर लगा हुआ होगा, है ना, इस तरह से, या इधर लगा हुआ होगा या फिर इधर लगा हुआ होगा। और यहाँ पर अगर कोई फिगर है तो वो उसकी जो इमेज होगी वो लेफ्ट की राइट हो जाएगी, या फिर यहाँ पर ये कोई लेटर वगैरह है उसका भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा। बस जो मिरर इमेज होती हैं उसमें फिगर का लेफ्ट का राइट हो जाता है, चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, सबका लेफ्ट का राइट हो जाता है। जैसे यहाँ मिरर इमेज ऑफ नंबर की जो इमेज होंगी मिरर, वो इस तरह से हो जाएंगी। जीरो का तो जीरो रहेगा, लेकिन जो वन है वो उसका लेफ्ट का राइट हो जाएगा, टू का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, इसी तरह से थ्री का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, फाइव का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, और फोर का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, सिक्स का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा, एट बिल्कुल सेम रहेगा, सेवन का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा और नाइन का भी लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें टू नंबर्स आए हैं जो कि जीरो है और एट, जिसमें मिरर इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा होगा वैसा ही दिखेगा। आगे हमें मिरर इमेज के लेटर्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, ए बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बी लेफ्ट का राइट हो गया, सी लेफ्ट का राइट हो गया, डी लेफ्ट का राइट हो गया, इसी तरह से ई लेफ्ट का राइट हो गया, एफ भी लेफ्ट का राइट हो गया है, और जी भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, एच सेम रहा है, एच बिल्कुल सेम है, ए बिल्कुल सेम है। इसी तरह से आप 26 लेटर हैं, सबको ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ लेटर जो हैं बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ये है आई, इधर ये टी है, और उधर ओ होगा ये, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाई है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू है, वी है, डब्लू है, इन लेटर्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर दिए हुए भी हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्लू एक्स एंड वाई, ये हमेशा सेम रहते हैं, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है मिरर इमेज के लिए। लेकिन वाटर इमेज में ऐसा नहीं है। वाटर इमेज में बस इतना सा फर्क होता है कि उसमें जो टॉप का होता है वो बॉटम का हो जाता है, अपोजिट हो जाता है जस्ट। यानी कि हम बोलेंगे ए ऐसा होगा तो इजिकल टू ये ऐसा हो जाएगा। ओके, इस तरह से वाटर इमेज टॉप का, जो टॉप का होता है वो बॉटम का हो जाता है, और जो बॉटम का होता है वो टॉप पर पहुँच जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, बस ध्यान रखें। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पर राइट किया हुआ है कि चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स फ्रॉम अमॉन्गस्ट द ऑप्शंस इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग पी क्यू। यहाँ पर ये देखिए पी क्यू है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर मिरर प्लेस किया गया है, और ये फिगर ध्यान से देख लें, ये एक्स फिगर है, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ए पर हम ध्यान दें, तो ए का यहाँ पर ये नीचे हो गया है, जबकि ऊपर का नीचे नहीं होना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ बी पर ध्यान दें, बी में लेफ्ट का राइट तो हुआ है, लेकिन इसकी एक्स फिगर की जो लाइनिंग है वो इस तरह की, और यहाँ पर जो आंसर में है इसकी लाइनिंग नीचे वाले की ये ऐसी हो गई है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद सी पर ध्यान दें, सी में ऊपर का नीचे हो गया, तो सी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए डी ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर टू दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन बिलो कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर ये मिरर इधर दिखाया गया है, यहाँ पर मैंने अभी लाइन बनाई जो रेड, तो यहाँ पर आपको फोर दिखना चाहिए पहले, लेकिन लेफ्ट का राइट, इसमें ए पे ध्यान दें तो फोर लेफ्ट का राइट तो दिख नहीं रहा है, अपोजिट दिख रहा है, तो इसलिए ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हम बी पर ध्यान दें, तो बी पर देखिए फोर का लेफ्ट का राइट हो गया, वन का भी लेफ्ट का राइट हो गया, एन का भी वन का लेफ्ट का राइट हो गया, फिर आई है इसका भी हो गया, यू ऐसा ही रहा है सेम, और जी का भी लेफ्ट का राइट हो गया, इसके बाद जी के बाद एन है, एन का भी लेफ्ट का राइट हो गया, उल्टा उल्टा चल रहे हैं हम लोग, उल्टी तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। फिर ई है, इसका भी लेफ्ट का राइट हो गया है, और पी का भी लेफ्ट का राइट हो गया, एस का और ई का भी लेफ्ट का राइट हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर इमेज के बारे में मैंने बता ही दिया था, बॉटम का टॉप हो जाता है, ठीक है, नहीं ऊपर का नीचे हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। वाटर इमेज की भी एक एग्जाम्पल है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। अब देखिए ये फिगर एक्स है, यहाँ पर चार इमेज दी हुई हैं, फोर फिगर्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसका बॉटम पे ध्यान दें, आप बॉटम पे जो बॉटम है ये आपका बिल्कुल टॉप पर हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा, और ये जो ऊपर नोक है ये नीचे हो जाएगी, तो ठीक है, तो ये तो नोक अलग तरह की है, यानी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें नोक नीचे है, लेकिन जो चीज़ है जिधर वो रहेगी इधर। अब देखिए यहाँ पर ये जो थ्री डॉट हैं
सर्किल है थ्री वो इसमें साइड में आ गए, तो ऐसा नहीं होगा, लेफ्ट का राइट नहीं होना है, इसलिए बी भी नहीं हो सकता है, इसको बी भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसके बाद सी है, यही बिल्कुल ठीक है, इस पे आप टिक कर लेंगे। डी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तिरछा तिरछा हो गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का वाटर इमेज हमें सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ए पर ध्यान दें, देखिए नाइन है सबसे पहले दिखा हुआ, तो नाइन का जस्ट अपोजिट हो गया, टॉप का बॉटम हो गया, यानी कि ऊपर का नीचे हो गया। इसके बाद टू का भी ऊपर का नीचे हो गया, डब्ल्यू का भी उल्टा हो गया, ए का भी उल्टा हो गया है ऊपर का नीचे, और एस का भी हो गया है, सभी का हो गया मुझे लगता है, धीरे धीरे ध्यान दें, सबका हो गया। ओ तो वैसा के वैसा रहेगा ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन सही है, बाकी हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स इफ मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। तो वर्टिकली प्लेस किया ही जाता है, ये राइट किया हुआ ना हो तब भी हम वर्टिकली से ही निकालेंगे, ठीक है, यानी कि जो फिगर लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएंगी। तो पहले हम एक्स फिगर के ऊपर वाले बॉक्स को ध्यान दें, ए वाले में लेफ्ट का राइट हो रहे हैं, ठीक है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो गया है, लेकिन जो बीच वाले हैं किनारे वाले तो लेफ्ट के राइट हैं, लेकिन बीच वाले लेफ्ट का राइट नहीं है, जो राइट में है वो राइट में ही है, जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी पर ध्यान दें, बी को ध्यान से देखें, तो बी में सारे ऊपर वाले बॉक्सेज हैं वो लेफ्ट के राइट हो चुके हैं, और नीचे वाले बॉक्सेज देखेंगे इसी तरह से, ये भी लेफ्ट के राइट हो गए, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे हमें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स फ्रॉम अमॉन्ग द फोर ऑप्शन। यहाँ फोर ऑप्शन से ध्यान से देखें, इसमें हमें करेक्ट मिरर इमेज चुनना है। तो सबसे पहली इमेज ए को अगर ध्यान दें तो ऊपर की नीचे हो गई, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, होना चाहिए लेफ्ट का राइट, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब बी को ध्यान दें, तो बी में देखिए लेफ्ट का राइट तो हुआ नहीं है, जैसा कि है सेम है, केवल ये वाला आर्क ये थोड़ा सा ऊपर का नीचे हो गया, तो ऊपर का नीचे थोड़ी होना था, इसलिए बी भी नहीं हो सकता। सी को ध्यान देंगे, सी तो उल्टा हो गया, मटका रखा हुआ ये उल्टा हो गया, इसलिए सी भी नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन है, यानी कि इसका मतलब डी बचा है, यही राइट ऑप्शन होगा, डी पर टिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स इफ मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर फिगर एक्स को ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर थ्री में ऑप्शन ए ध्यान से देखें, ऑप्शन ए में सारी चीज़ें लेफ्ट का राइट हो गई, यानी कि ए ऑप्शन ही सही है, आगे हमें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन बिलो कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स इफ मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। तो इसमें ध्यान देखें, ये मिरर इस साइड में है, हमें जो राइट वाले हैं वो पहले दिखेंगे, यानी पहले सिक्स दिखेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन ए को ध्यान से देखना है, यहाँ फाइव जो है बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फाइव को देखें ये गलत है। बी में देखें कि जहाँ पे जो स्मॉल ए बना हुआ है ये वाटर इमेज हो गई है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब हम सी को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें डब्लू देखें, डब्लू ये वाटर इमेज हो गई, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब अब जो बचा हुआ है डी, यही ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, यहाँ पर ऐड किया हुआ लॉजिकल रीजनिंग, इसकी हमें बताना है मिरर इमेज, ठीक है, तो मिरर इमेज यहाँ भी उल्टा चलने लगेगा। पहले हमें इधर के लेफ्ट के राइट दिखाई देंगे, जी देखें, और इसमें ध्यान दें जी, जी तो बिल्कुल सेम आ गई है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम बी को ऑब्जर्व करेंगे, बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर फाइव का बी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर टिक कर लेंगे, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिक्स नंबर है, यहाँ पर लीपार्ड ऐड किया हुआ है, तो फर्स्ट वाले में हम ध्यान दें, यहाँ लेफ्ट का राइट तो हो गया है, लेकिन इसको एल देखें वैसा ही दिख रहा है जैसा कि होता है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता है। बी को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर डी सेम दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी को ध्यान से देखते हैं, देखिए इधर से आएगा, सबसे पहले डी आएगा, फिर आर उल्टे उल्टे आएंगे, ए सीधा आएगा, फिर पी भी उल्टा आएगा, लेफ्ट का राइट हुआ, फिर ओ भी वैसा ही आ जाएगा, ई और एल भी उल्टा आ गया, इसका मतलब सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेना है, आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इट हैज सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग एम एन, ये मिरर यहाँ पर हमें ए बी एस एस टी क्यू, ये इसका देखो उल्टा कर देना है, लेफ्ट का राइट करना है, और वैसी सारी चीज़ें लेफ्ट का राइट होगा, यानी सबसे पहले हमें क्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसमें तो क्यू उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको आप क्रॉस कर दें, ये आंसर नहीं हो सकता। बी वाला देखें ध्यान से, क्यू ऐसा ही होना चाहिए और टी तो वैसा ही रहेगा, फिर एस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये तो वैसा ही रहेगा, ए भी वैसा ही रहेगा, इट मींस बी ऑप्शन सही है, बी पर टिक कर लेना है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बने नाइन्थ, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स, ये एक्स फिगर है ठीक है। तो हमने बोला था जो लेफ्ट का होता है वो राइट का हो जाता है, लेकिन ये तो ऊपर नीचे हो गया इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। फिगर बी को देखें ध्यान से, यहाँ लेफ्ट का राइट तो हुआ है ठीक है, बी ऑप्शन ही ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेंगे, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर बी वाले ऑप्शन में सब कुछ लेफ्ट का राइट हुआ है। नेक्स्ट 10 नंबर है, चूज द वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। देखिए वाटर इमेज हमें चूज करना है, हमने बताया वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है, जो टॉप का होता है यानी ऊपर का होता है वो नीचे का हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो इसमें ध्यान दें ए वाले में ऊपर का ये वाला तो ऊपर का होगा, ये कांटे हैं ये ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये ऊपर के नीचे तो हो गए हैं, लेकिन बीच वाली फिगर जो है वो वैसी दिख रही है हमें, थोड़ी 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 चेंजिंग कर दी, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है, नहीं हो सकता। बी को ध्यान दें बी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का ये चीज़ जो है वो इधर आ गई, जबकि इसमें ये लेफ्ट राइट हो गया, लेफ्ट राइट नहीं होता है वाटर इमेज में। सी को ऑब्जर्व करें तो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक कर लें। देखो जो चीज़ टॉप पे होना चाहिए वो बॉटम पे हो गई, जो बॉटम पे होना चाहिए वो टॉप पे हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स, इनमें से कौन सी वाटर इमेज है। तो बस आपको देखना है जो टॉप पे है वो बॉटम पे हो जाना है। तो इसमें ए वाले में देखें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बी में भी देखें जो टॉप पे है वो बॉटम पर नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और सी में देखें ध्यान ऑब्जर्व करें तो इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए डी बचा है, डी ऑप्शन सही है, डी पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स, यहाँ पर भी हमें वाटर इमेज सेलेक्ट करनी है 12 नंबर में। तो हम सबसे पहले ए वाली जो है इसको ऑब्जर्व करें, टॉप का बॉटम करना है, तो ए तो बिल्कुल सीधा सीधा है, टॉप नीचे का ऊपर तो चला गया है, लेकिन सीधा नहीं रहना, ये भी उल्टा लटक जाएगा। अगर ए ऐसा है तो वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से उल्टा ठीक है, तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बी, ए उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ऊपर की हैं वो नीचे हो गई हैं पूरी करेक्ट तरह से, इसलिए बी ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट बना है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड, इसकी वाटर इमेज हमें देखनी है। पहले ए पर ऑब्जर्व करें तो ए में सबसे पहले वाई आ रहा है ठीक है, जो वाई वो भी उल्टा नहीं है, यानी लेफ्ट का राइट हो गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। सेकेंड वन बी देखें, इसमें वाई पहले आ गया है, जबकि है तो उल्टा ही, उल्टा लटक रहा है, लेकिन ये सबसे पहले एस आना है वाटर इमेज में, वैसा ही वैसा रहेगा, ऊपर के नीचे हो जाए केवल। अब बाकी के बच्चे ये दो में इन टू में ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर देखें अगर डी वाले हम ऐसे ही दिख रहा है, ए तो बेस्ट जैसा है वैसा ही दिख रहा है, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ए ऐसा अगर है तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो ये डी वाले में नहीं हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर, यहाँ पर लेटर और नंबर दिए गए हैं, इनका हमें वाटर इमेज सेलेक्ट करनी है, सही करेक्ट वाटर इमेज सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, एम आई आर आर ये तो ऊपर के नीचे हो रहे हैं, लेकिन फोर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें सारे लेटर जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर नीचे डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है, बाकी की हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को ऑब्जर्व करें, इसमें फाइव एन आई ए ये दिया हुआ है, इसका वाटर इमेज हमें फाइंड करनी है इस कॉम्बिनेशन की। तो इसमें पहले ये फाइव तो आया नहीं, इसलिए ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें पहले थ्री आ गया है, ये नहीं हो सकता, आएगा तो फाइव ही पहले ठीक है, तो बी भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए अब इन दोनों में फाइव आया, इन पे ध्यान दें हम, तो इस पे ऑब्जर्व करें टी जो है वो सेम है ठीक है, सेम है, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इस पे टिक कर लेना है। तो डियर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।